क्या आप दक्षिण भारत के बीचेस, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल और मध्य भारत के डेजर्ट्स के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, खूबसूरत रिवर फ्रंट और पौराणिक मंदिर एक साथ देखना चाहते हैं? तो आपकी तलाश गुजरात प्रदेश पर जाकर समाप्त होगी। गुजरात आपके इन सभी घूमने की जगहों का वन पॉइंट सॉल्यूशन है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी और पटेल की धरती गुजरात में घूमने के 10 प्रमुख स्थानों के बारे में। नंबर 10 पर है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ दुनिया का सबसे बड़ा नमक से बना रेगिस्तान है। हर साल नवंबर से फरवरी तक यहाँ कच्छ उत्सव का आयोजन होता है और यही सही समय है यहाँ जाने का। दोस्तों, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भुज है। भुज से रन ऑफ कच्छ की दूरी लगभग 82 किलोमीटर है। दोस्तों, नंबर 9 पर है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसकी स्थापना का प्रमुख कारण एशियाटिक शेरों की सुरक्षा करना था। 2015 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 523 शेर हैं और 300 लेपर्ड्स हैं। यहाँ जंगल सफारी की बात करें तो उसका खर्चा लगभग 4500 रुपये पर जीप होता है। एक जीप में 6 लोग आ सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जूनागढ़ है जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट केशोड़ है जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दोस्तों, नंबर 8 पर है दीव। दीव अपने खूबसूरत सी बीचेस, चर्चेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। दीव में घूमने के प्रमुख स्थान हैं जालंधर बीच, चक्रतीर्थ बीच, दीव फोर्ट, पानीकोटा, गंगेश्वर मंदिर। दोस्तों, दीव का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन विरावल है जिसकी यहाँ से दूरी 90 किलोमीटर है। दीव में हवाई अड्डा है। दीव सड़क के माध्यम से गुजरात के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। दोस्तों, नंबर 7 पर है पोरबंदर। ये शहर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। पोरबंदर में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं जैसे सुदामा मंदिर, कीर्ति मंदिर और बहुत सारे अच्छे बीचेस भी हैं। पोरबंदर बीच को चौपाटी के रूप में जाना जाता है। पोरबंदर में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर है गिरनार। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात के जूनागढ़ सिटी में आती हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण अंबाजी टेम्पल विश्व प्रसिद्ध है और मंदिर तक पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा भी है। इसके अलावा यहाँ स्थित नेमीनाथ मंदिर और मेरवासी मंदिर भी जाया जा सकता है। गिरनार पहुँचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जूनागढ़ है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पोरबंदर है जो कि यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, नंबर 5 पर है सूरत। डायमंड हब ऑफ द वर्ल्ड या भारत का वस्त्र शहर के रूप में सूरत का नाम गर्व से लिया जाता है। सूरत के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में डुमास बीच, डच गार्डन, सूरत कैसल, अंबिका निकेतन मंदिर, सुवाली बीच, गोपी तालाब प्रसिद्ध हैं। सूरत में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों हैं जो देश के बड़े शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। दोस्तों, नंबर 4 पर है सापूतारा। सापूतारा जो कि गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन, अपने हरे भरे जंगलों, पहाड़ों और झरनों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सापूतारा पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन वगई है जिसके यहाँ से दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। अगर आप फ्लाइट से यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा नासिक है जिसके यहाँ से दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यहाँ जाने का बेस्ट सीजन अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है सोमनाथ। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गीता मंदिर, बालूखा तीर्थ, कामनाथ महादेव मंदिर और सोमनाथ बीच शामिल हैं। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन विरावल है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट दीव है जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। नंबर 2 पर है द्वारका। द्वारका हिंदुओं के 4 धाम यात्राओं में से एक है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। द्वारका की ट्रिप में आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर जाइए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारका में रेलवे स्टेशन है जो कि देश के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जामनगर है जो कि यहाँ से लगभग 137 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, नंबर 1 पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के पास बना हुआ विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाई गई। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन वडोदरा है जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ की एंट्री फी 120 रुपये एडल्ट्स के लिए और 60 रुपये बच्चों के लिए है।